नमस्कार दोस्तों, आप सबका कानपा एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। अपने इस लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को एनालाइज करने जा रहे हैं जो इस समय काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है, और इसी वजह से यूपीएससी प्रीलिम्स या मेंस में इसके क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, अपने इस वीडियो में हम इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, इस ट्रीटी के बारे में बहुत ही डिटेल से जानेंगे, जिसकी नोडल मिनिस्ट्री जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो पूरी तरह से डेडिकेटेड है इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर को पढ़ने के लिए। देन लेट्स बिगिन अवर टॉपिक ऑफ टुडे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि हमारे जो लेक्चर्स हैं वो काफ़ी अमेजिंग है आपकी प्रिपरेशन को एक अच्छा बूस्ट देने के लिए। और दोस्तों, हमें फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए, हमने फेसबुक पेज बनाया है कानपा एजुकेशन के नाम से, जिस पर हम डेली एमसीक्यूज अपलोड करते हैं, और ये एमसीक्यूज द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और दूसरे गवर्नमेंट वेबसाइट्स और सोर्सेज से बनाए जाते हैं, जो आपके कंसेप्ट क्लेरिफिकेशन में काफ़ी हेल्प करेंगे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो आई होप आप मेरी इस रिक्वेस्ट पर ध्यान देंगे, क्योंकि इससे आपको प्रिपरेशन में काफ़ी एन्जॉयमेंट मिलेगा और आपकी काफ़ी हेल्प भी होगी। दोस्तों, जिन्हें आप फोटो में देख रहे हैं वो हमारे यूनियन कैबिनेट के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी। दोस्तों, इन्होंने FAO हेड क्वार्टर में, जो रोम में स्थित है यानी इटली में स्थित है, वहाँ पर सीट ट्रीटी का जो 8th सेशन चल रहा है गवर्निंग बॉडी की, वहाँ उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया। और दोस्तों, सीट ट्रीटी जो है, जो हमने अभी ट्रीटी पढ़ी थी, उसी ट्रीटी का शॉर्ट फॉर्म में नाम होता है, जो कॉमन यूज़ होने वाला नाम होता है वो यही होता है, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर का शॉर्ट नेम में हम सीड ट्रीटी कहते हैं। तो ये दोस्तों अभी रिसेंट की ही न्यूज़ है, 11th नवंबर 2018 को PIB में इसकी रिपोर्ट पब्लिश हुई है, और इसी वजह से ये दोस्तों न्यूज़ में है, और जो चीज़ न्यूज़ में है वो हमारे UPSC का सिलेबस है और उस पर क्वेश्चन आते ही हैं। तो दोस्तों, टॉपिक को अच्छे से जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं, जो एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो इसकी गवर्निंग बॉडी होती है उसका सेशन 2 साल में एक बार होता है। गवर्निंग बॉडी का सिंपल मतलब हो गया, जिसमें एक तरीके से ट्रीटी के जो मेंबर हैं उनका, जो इम्प्लीमेंट करने वाले ट्रीटी की एजेंसीज होती हैं उन मेंबर कंट्रीज़ में, उनके जो चेयरमैन होते हैं वो आकर मिलते हैं। हमारे देश में इस ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के एग्रीकल्चर मिनिस्टर इस मीटिंग में गए थे। उसी तरीके से दूसरे देशों के भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर या डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर या मिनिस्टर होंगे वो आते हैं। यहाँ पर दोस्तों, इस ट्रीटी को 146 कंट्रीज़ ने साइन किया है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। और दोस्तों, इस ट्रीटी में जो सेशन होता है गवर्निंग बॉडीज़ का, उसमें दोस्तों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करती है। इस ट्रीटी का पर्पज है वो दोस्तों फूड सिक्योरिटी को एंश्योर करना है, और जो जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं दो देशों के बीच में, उनका वो एक्सचेंज करना चाहते हैं। तो उस एक्सचेंज को वो कैसे करें, उसको काफ़ी हद तक यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए इसको बनाया गया है। यहाँ पर दोस्तों, सपोज कीजिए कोई कंट्री ए है, उसके पास मक्के का या गेहूं का काफ़ी अच्छा बीज है उसके पास, जिससे काफ़ी अच्छी प्रोडक्टिविटी के एक तरीके से फूड तैयार किए जा सकते हैं, या उसकी फूड प्रोसेसिंग से अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। और उसको सपोज कीजिए कोई दूसरी कंट्री है, कंट्री भी वो ख़रीदना चाहती है, तो ख़रीदने के लिए क्या क्या करें, ट्रीटी में यही सब बताया गया है। दोस्तों, जब आप कभी भी ट्रीटी पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी लाइनें लिखी होती हैं, लेकिन वो सिंपली कुछ नहीं होता, वो सिंपली एक तरीके से इकोनॉमी और ट्रेड को प्रमोट करने का तरीका होता है। ट्रेड और इकोनॉमी में हर पार्टिसिपेंट को चाहिए कि उसका रिस्क कम हो, और अपना रिस्क कम करने के लिए ही ट्रीटी बनाई जाती है, ताकि विश्वास बना रहे और
ट्रेड जो है अच्छा चलता रहे और उसी ट्रेड का जो फल होता है वो लोगों तक पहुंचता है, आम लोगों तक, और उससे जो होता है उनका वेलफेयर होता है। तो ये सिंपल मॉडल होता है ट्रीटी का, सारी ट्रीटी इसी के बेसिस पर काम करती है। तो ये तो रहा कुछ जनरल इंट्रोडक्शन इस टॉपिक से रिलेटेड। यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो गवर्निंग सेशन है 2019 में हो गया है, अब 2020 में नहीं होगा, अब वो 2021 में होगा। तो ऐसे टॉपिक जो एक्चुअली हुए हों करेंट अफेयर में लेकिन काफ़ी रेयर रहते हैं, उन पर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। अब दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि ये ट्रीटी काम कैसे करती है। इस ट्रीटी के वर्किंग को समझना, मैकेनिज्म को समझना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हमारे देश में नोडल एजेंसीज कौन है इस ट्रीटी की। तो देखिए दोस्तों, इस ट्रीटी के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने का जो काम है वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉपरेशन का है। लेकिन दोस्तों जो इस ट्रीटी को फुलफिल कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो मिनिस्ट्री जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। अब दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये एक्चुअली क्या कह रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रीटी है सिंपली कौन सी अच्छी क्वालिटी के बीज है या कौन सी जो क्वालिटी की जो ब्रीड होते हैं एक तरीके से अच्छी नस्ल की गाय या भैंस कौन है, उनको दोस्तों एक देश से दूसरी जगह बेचना होता है, एक कंट्री दूसरी कंट्री से खरीदना चाहती है। तो उसके लिए दोस्तों आपस में क्या चाहिए होता है कि उनमें जो हो रिस्क इस चीज़ का कम हो कि किसी को इसमें नुकसान ना हो, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर दोस्तों ये ट्रीटी बनाई गई है। अब दोस्तों इस ट्रीटी में देखिए होता क्या है। सपोज कीजिए इंडिया जो है किसी कंट्री से, सपोज कीजिए उसको लगा कि यहाँ पर जो है कॉटन का क्रॉप जो है काफ़ी अच्छा है और ये कॉटन का क्रॉप जो है एक तरीके से सीड जो है इसके वो इंडिया खरीदना चाहता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस ट्रीटी के अंडर में अगर कोई ख़रीदना चाहता है तो उस सीड को चेक कराना, जांच कराना कि वो इंडियन सॉयल पर भी वैसा काम कर पाएगा, ये सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज की है। उसके बाद से दोस्तों जब एक बार ये दे देती है अप्रूवल कि ये जो कॉटन की एक तरीके से सीड है वो इंडियन सॉइल के लिए अच्छी है, तब इसको क्या करेगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है वो इसको खरीदेगा, खरीदने के लिए फंड इशू करेगा, और फिर उसके बाद से इस सीड को खरीदने के बाद ये दोस्तों फार्मर्स तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था करेगा। तो ये दोस्तों मॉडल है हमारे देश में और इस ट्रीटी के अंडर में गवर्नमेंट ऐसे ही काम करती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, एक क्वालिटी चेक करके अप्रूवल देने के लिए है, दूसरी जब अप्रूवल मिल जाए तो उसको फार्मर्स तक कैसे पहुंचाए उसके लिए है। तो दोनों ही इसकी नोडल मिनिस्ट्री है लेकिन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को ही माना जाता है नोडल एजेंसी, इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, अगर ए बी सी डी करके ऐसे ऑप्शन आ जाए तो उन दोनों केसेस में आपको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को ही प्रायोरिटी देनी होगी। अगर 1, 2, 3 करके आ जाए और कहीं पर ऑप्शन में अगर इसमें 1 की जगह मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर लिख दे और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट लिख दे और 3 नंबर पे कुछ और लिख दे और चुनने को आ जाए 1 ओनली 1 एंड 2 और उसके बाद से 2, 3 ऐसे करके, तो वहाँ पर 1 ओनली को ना चुनकर आपको 1, 2 चुनना होगा। ये मैं आपके सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये ट्रीटी काम कैसे करती है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से या तो अच्छी ब्रीड का कोई एनिमल खरीदना होगा दूध या मीट के लिए तो उसके लिए अप्रोच कर सकती है, या फिर अच्छी क्वालिटी का क्रॉप हो उसके लिए अप्रोच करना चाहती हो तो उसके लिए अप्रोच कर सकती है दूसरी कंट्री के पास। तो यहाँ पर दोस्तों ये ट्रीटी 3 प्रिंसिपल पर बनाई गई है और ये खरीदे कैसे उसी के रिगार्डिंग ये अरेंजमेंट कैसे किया जाए इसके बारे में है ये। तो यहाँ पर ये ट्रीटी में सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जो भी देश होते हैं उनको अगर एक तरीके से फूड प्रोड्यूस करना है यानी अनाज उपजाना है, ज़्यादा से ज़्यादा अनाज का प्रोडक्शन करना है, तो उनको प्लांट जेनेटिक रिसोर्स पर डिपेंडेंट होगा, यानी जिस जीन का जो प्लांट होगा जो सबसे पावरफुल होगा जो वहाँ की कंडीशन को झेल सकता है
उसके हिसाब से उनको काम करना ही होगा, तभी प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये एकदम सही बात है कि अगर किसी ज्योग्राफिकल एरिया में आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उस ज्योग्राफी में किस तरीके का प्लांट जो है वहाँ की कंडीशन को सह सकता है, सबसे पहले वो देखना होता है। उसके बाद से दोस्तों दूसरा प्रिंसिपल ये कहता है कि एक इंटीग्रेटेड ग्लोबल सिस्टम होना चाहिए जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जा सके, जिसमें साइंटिस्ट, फार्मर्स और प्लांट ब्रीडर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो सिंपल यहाँ पर दोस्तों रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके अगर कोई क्रॉप बनाना चाहता है और कोई नया एक तरीके से जीन उसमें डालना चाहता है या कोई अच्छी क्वालिटी का क्रॉप क्रिएट करना चाहता है, बनाना चाहता है, तो उसके लिए चाहिए कि वो डिफरेंट डिफरेंट जगह से डिफरेंट टाइप्स के जेनेटिक मटेरियल्स उसको चाहिए होंगे उस तरीके की रिक्वायर्ड क्वालिटी लाने के लिए जो वो क्रॉप बनाना चाहता है। तो उसके लिए सारे जेनेटिक मटेरियल्स का एक्सचेंज जो होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए और इसके लिए इंटीग्रेटेड ग्लोबल सिस्टम बनाया जाना चाहिए। इंटीग्रेटेड का सिंगल मतलब ये हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री इन्वॉल्व होनी चाहिए और उनमें काफ़ी स्मूथली ये काम होना चाहिए। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर देखिए तीसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है कि ये ट्रीटी जब ही काम करेगी जब फार्मर्स को भी यहाँ पर हेल्प किया जाएगा कि वो अच्छी क्वालिटी का क्रॉप सेलेक्ट करे, ताकि जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं और जो मनुष्य जो इंसान की नीड है उसके अकॉर्डिंग वो अगर क्रॉप सेलेक्ट करेगा तभी उसको फ़ायदा होगा। तो ये तीन प्रिंसिपल हैं इस ट्रीटी के और तीनों प्रिंसिपल ये बात कहते हैं कि सबसे पहले किसी कंट्री को ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए जो उसको जेनेटिक रिसोर्स चाहिए प्लांट का वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, फिर दोस्तों प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए जेनेटिक मटेरियल का जो एक्सचेंज होना चाहिए एक कंट्री से दूसरी जगह का, वहाँ इजी एक्सेस बनाने के लिए साइंटिस्ट, फार्मर्स और प्लांट ब्रीडर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा और ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके अच्छी क्वालिटी का क्रॉप बनाया जा सके, फिर अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो तीसरा जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है वो है फार्मर्स तीसरे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, और उसको ये सारी कुछ अवेलेबल करानी होगी जिससे एनवायरनमेंट में आने वाले चेंज से वो अपने क्रॉप को बचा सके और इंसान की जो आज की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस कर सके। तो ये है टोटल इसका ट्रीटी का प्रिंसिपल, और यहाँ पर दोस्तों ये ट्रीटी में 64 क्रॉप्स स्पीसीज हैं जिनका एक्सेस जो है फैसिलिटेट कराया गया है। तो ये एक तरीके से 64 क्रॉप स्पीसीज में अलग अलग एक तरीके से नस्ल की अलग अलग चीज़ें होंगी, काफ़ी इसमें क्वालिटीज़ के बेसिस पर इनका कैटेगराइजेशन होगा और इसके अकॉर्डिंग इन सारे मटेरियल को अभी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए ग्लोबल सिस्टम काम कर रहा है और किसी भी कंट्री को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए किसी भी तरीके का जेनेटिक मटेरियल चाहिए इन 64 में से तो वो मिल सकता है। इसका नंबर फ्यूचर में बढ़ सकता है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अलग अलग स्पीसीज पर काम होगा। तो इससे दोस्तों सिंपल क्या होगा, प्लांट का कंजर्वेशन होगा और एक तरीके से नए नए वेराइटीज़ जो हैं वो हमारे साइंटिस्ट बना सकेंगे। दोस्तों ट्रीटी को थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपके सामने एक केस स्टडी रखने जा रहा हूँ। देखिए केस स्टडी बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर कंट्री ए है, कंट्री ए के पास एक बिफेलो है काफ़ी अच्छे ब्रीड की और ये ब्रीड जो है बिफेलो काफ़ी अच्छा दूध देती है इस ब्रीड की, और कंट्री बी जो है उसको खरीदना चाहता है कंट्री ए से, लेकिन कंट्री ए को पता है कि अगर कंट्री बी को वो बेचता है तो कंट्री बी के पास काफ़ी अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इससे अच्छी क्वालिटी की ब्रीड तैयार करेगा और कंट्री ए से ही कंट्री बी कंट्री ए से ही मार्केट छीन लेगा, और यहाँ पर मार्केट छीन के क्या कर सकता है वो अपना खुद बिजनेस शुरू कर देगा, जिससे कंट्री ए को ऐसा होगा कि वो अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है और यहाँ पर दोस्तों कंट्री ए जो है वो डिसाइड करेगा कि वो अपनी बिफेलो नहीं बेचेगा, क्योंकि अगर ऐसे टेक्नोलॉजिकल डेवलप्ड कंट्री को अगर वो बेचता है तो उससे उसका फ्यूचर में नुकसान होगा, इस वजह से वो ऐसा नहीं करता और क्या करता है इसे दोस्तों दूसरी कंट्रीज ढूंढता है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना हो, जहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ना हो, और सिर्फ बनाता है कि उसी को बेचा जाए। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर देखिए नुकसान किसको हुआ, यहाँ पर कंट्री बी को नुकसान हुआ कि उसको जो है एक तरीके से जेनेटिक मटेरियल नहीं मिल पाया रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए या अच्छा उसमें एक तरीके से इनोवेशन करने के लिए, तो जो इनोवेशन की प्रोबेबिलिटी थी वो पूरी तरीके से किल हो गई। यहाँ पर दोस्तों कंट्री ए के साथ यहाँ पर ये हुआ कि कंट्री ए के जो काफ़ी सारे समझिए ऐसे देश हैं जो डेवलप्ड हैं और काफ़ी मात्रा में वो विफेलो खरीदना चाहते होंगे,
तो यहाँ पर कंट्री ए को भी लॉस हुआ। क्या पता ऐसा हो मार्केट शेयर की 80% जो हो वो ऐसी ही डेवलप्ड कंट्री खरीदना चाहती हो और 20% ही मात्र ऐसी कंट्री हो जो काफ़ी कम बिफेलो खरीदना चाहती हो। ज़्यादातर जो है बिकने का शेयर जो हो डेवलप्ड कंट्री के ही पास हो, तो इससे कंट्री ए को भारी नुकसान हो सकता है। तो इन्हीं सबसे बचने के लिए अगर ये दोनों कंट्री जो है ये ट्रीटी साइन कर लेते हैं, सीड ट्रीटी, तो सीड ट्रीटी में दोनों के ही इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर प्रॉपर अरेंजमेंट किया गया है। और दोस्तों इसके कुछ एग्जाम्पल भी अभी अभी फिलहाल हुए हैं। ये दोनों एग्रीमेंट क्या करेंगे, इस ट्रीटी के अंडर में आपस में दोनों कंट्री एक एग्रीमेंट साइन करेगी। एग्रीमेंट साइन का जो एग्रीमेंट होता है दोनों देशों के बीच में उसको कहा जा रहा है स्टैंडर्ड मटेरियल ट्रांसफ़र एग्रीमेंट। और यहाँ पर दोस्तों इस एग्रीमेंट में सिंपली कहा गया होगा कि जो कंट्री ए है अगर आपको बिफेलो बेच रही है कंट्री बी को, तो कंट्री बी को हो सकता है कि कंट्री ए के जो हित हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़े कि वो R&D से जो स्पेशल प्रोडक्ट बनाएगा उसमें हो सकता है कि कंट्री ए को भी 30% या 40% रॉयल्टी मिले। और दूसरे तरीके के काफ़ी एक तरीके के ऐसे स्टैंडर्ड के एग्रीमेंट बनाए जा सकते हैं जिससे कंट्री ए को ज़्यादा नुकसान ना हो और कंट्री बी को भी नुकसान ना हो। तो इस तरीके से एक मिडिल टर्म पे पहुंचने की कोशिश की जाती है और दोस्तों ये ट्रीटी जो है इसी के लिए रास्ता बनाती है। अगर दोस्तों इस ट्रीटी को कोई भी कंट्री वायलेट करेगी तो इसके लिए क्या होगा, इस ट्रीटी के अंडर में जो एक तरीके से पनिश करने का तरीका होगा उसके थ्रू पनिश किया जा सकता है, या सिंपली कंट्री ए कह देगा बाकी कंट्री को भी कि कंट्री जो बी है वो एक तरीके से चीटर है और उसने इस ट्रीटी का वायलेशन किया है। तो हो सकता है फर्दर कोई कंट्री कंट्री बी के साथ ट्रेड ना करें। तो एक तरीके से ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म बनाकर कि आगे ऐसी प्रोबेबिलिटी होगी तो किसको क्या मिलना चाहिए वो सिंपली इस एग्रीमेंट में लिखा जाता है इस ट्रीटी के अंडर में। तो दोस्तों ये ओवरऑल जो है ये एनालिसिस है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहां पर इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसी ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट जो है एक्ट बनाए गए हैं। पहला इम्पॉर्टेंट एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट, और दूसरा जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट क्या कहता है सिंपली, तो ये एक तरीके से ये बताता है कि कोई कंट्री अगर हमसे कोई जेनेटिक मटेरियल ख़रीदना चाहती है तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन जो होंगी कौन कौन सी होगी, कौन सी बॉडी से उसे अप्रूवल लेना होगा, इसके अंडर में कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज़ बनाई जाती हैं, अगर यहाँ पर कोई वॉयलेशन होता है तो सज़ा कितनी मिलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। फार्मर्स को इनाम क्या मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन दोस्तों जो ये है हमारा पहला वाला ये एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट, ये एक्ट सिंपली क्या कहता है, ये एक्ट कहता है कि जो स्पेशल R&D से प्रोड्यूस किए गए वेराइटीज़ के क्रॉप्स होंगे उनको फार्मर्स जो है बिना परमिशन के अपने खेत में नहीं लगाएगा। और यहाँ पर फार्मर्स के राइट पे ये कहा गया है कि कुछ फार्मर्स को ये राइट होगा कि वो अपने हिसाब से कोई से भी एक तरीके से क्रॉप को वो बचा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, उनको बो सकते हैं, रीसो कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं और अपना प्रोड्यूस जो है मार्केट में बेच सकते हैं। जो एक लिस्ट में जो इस एक्ट के अंडर में लिस्ट है उस लिस्ट में जो जो क्रॉप आएंगे उन्हीं को सिर्फ उगा सकते हैं, उसके अलावा अगर किसी को ब्रांड नेम दे दिया जाता है तो उसको फार्मर्स नहीं उगाएंगे। तो एक तरीके से ये क्या कर रहा है, फार्मर्स के राइट को अलग कर दे रहा है और जो कॉरपोरेट्स होंगे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से कोई नया वेराइटी का एक तरीके से क्रॉप डेवलप करते हैं उनके इंटरेस्ट को अलग कर देता है। फार्मर्स का राइट यह है कि एक लिस्ट बना दी गई है इस एक्ट के अंडर में और इस एक्ट के अंडर में और जो उस लिस्ट में जो जो एक तरीके से इस जो सीड्स आते हैं उनको वो उगा सकता है बिना किसी की परमिशन से अपनी मर्जी से। लेकिन उसके अलावा जो नए नए क्रॉप्स डेवलप करेंगे ये कॉरपोरेट एक तरीके से हाउसेस, उन कॉरपोरेट हाउसेस के उन रिसर्च एंड डेवलप्ड वाले सीड्स को किसी भी तरीके से फार्मर्स नहीं उगा सकते बिना इनकी मर्जी से। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए ऐसा किया गया है। और दोस्तों इसी के रिगार्डिंग एक रिसेंट केस आया था कि गुजरात के 4 फार्मर्स जिन्होंने पोटैटो उगा लिया था, एक तरीके से चिप्स कंपनी के पोटैटो का यूज़ करके उगा लिया था और उन जो गुजरात के फार्मर्स थे उनके पास वो अधिकार नहीं थे कि वो उस वैरायटी का पोटैटो उगाए।
तो यहाँ पर दोस्तों अगर ऐसे फार्मर्स बिना एक तरीके से परमिशन लिए पोटैटो उगाने लगेंगे जो कॉरपोरेट हाउसेस के काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक तरीके से वो होंगे, तो यहाँ पर कॉरपोरेट हाउसेस का एक तरीके से नुकसान होगा और उनका जो इन्वेस्टमेंट का प्लान है वो आगे वो फ्यूचर में नहीं करेंगे, उनको पता चल जाएगा कि इस ट्रीटी का इस तरीके से वायलेशन हो रहा है। तो इसीलिए दोस्तों उनको कोर्ट में बुलाया गया था और उन पर ज़्यादा जुर्माना लगाया गया था, बाद में पॉलिटिकल मुद्दा बन गया था। और उसके बाद से यहाँ पर जो नेस्ले की कंपनी है उसने एक तरीके से केस वापस लेने के लिए भी कहा और जो गुजरात के फार्मर्स हैं उनको अपने साथ काम भी उनको प्रोवाइड कराकर इसको रिजॉल्व कराया था। तो ये सारा मुद्दा था इसमें, ये इसी एक्ट की वजह से हुआ था। तो दोस्तों अब ये है हमारी इस वीडियो का एंड। आई होप हमने इस लेक्चर में आपके इस टॉपिक से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया हो। अगर कोई कमी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिए। और अगर दोस्तों आपको ये लेक्चर बहुत बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।